जय हिंद। हेलो व्यूअर्स, मैं आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ले रहा हूँ, जो घर के अंदर एयर होती है उसमें जिस तरीके से पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं। हम लोग घरों में सोचते हैं कि हमारे घर के जो अंदर का एनवायरनमेंट है, अंदर का एरिया है, वो बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छा है, लेकिन घर के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिसको हमें पता नहीं होता है। और पौधों की मदद से हम उस पॉल्यूटेंट से अपने घर को कैसे साफ रख सकते हैं, कैसे वहाँ से हटा सकते हैं और घर को बहुत अच्छे से हम डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, और मैं इसमें आपको बहुत सारे डेकोरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिंपली उसको बताऊंगा, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को आगे लेके रख सकते हैं। साइंटिफिक वे में मैं आपको उसको बताने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली हम इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताते हैं कि जो घर में हम पॉटेड प्लांट यूज़ करते हैं उनको हम इंडोर प्लांट्स कहते हैं। तो इंडोर प्लांट्स वही हैं जो कि हम घर के अंदर यूज़ रख सकते हैं। देखिए, प्लांट्स जो होता है उसको बेसिकली बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि लाइट चाहिए होती है, ठीक है, उसको वाटर भी चाहिए होता है, उसको थोड़ा सा मेंटेनेंस भी चाहिए होता है। इसके अलावा वो आसानी से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सके। सभी प्लांट्स में फ्लावर बनते हैं, सभी प्लांट्स अलग अलग तरीके से अपने आप को, अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं। ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, सभी एनिमल्स के साथ में, सभी ग्रुप्स में, सभी ऑर्गेनिज्म में, सभी में मिलती है। तो ये एक बेसिक चीज़ होती है, ठीक है। उसके अलावा जो इंडोर प्लांट्स घर के अंदर जो रखने वाले पौधे होते हैं उनको हम ऑर्नामेंटल कहते हैं, ठीक है, यानी कि वो सजावट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स थोड़े सजावटी भी होने चाहिए, लेकिन इंडोर प्लांट्स के साथ में एक स्पेशल फीचर होता है कि इनको जो लाइट चाहिए होती है वो उतनी ज़्यादा लाइट, तेज वाली लाइट नहीं चाहिए होती, हल्की लाइट में भी वो अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। पानी भी उनको ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, थोड़ा ही पानी चाहिए होता है। मेंटेनेंस भी उनको ज़्यादा नहीं चाहिए, किसी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, इन प्लांट्स को बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, और ये आसानी से अपने आप को बढ़ाते भी रहते हैं, यानी कि एक से दो और इस तरीके से बहुत सारे डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे समझते हैं कि जो घरों में या ऑफिस के अंदर में जो केमिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं वोलेटाइल, VOC, ठीक है। VOCs क्या होते हैं? VOCs एक टाइप के कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनको हम कहते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो एयर के साथ में मिक्स बने रहते हैं, ठीक है, और हमारे घर के अंदर के एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। इनमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में, ठीक है, जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस वगैरह लेने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। लगभग एक WHO की रिपोर्ट है जिसमें लगभग 1.6 मिलियन डेथ हर साल इसी वजह से होती है कि जो घर के अंदर का एनवायरनमेंट जो इतना ज़्यादा हार्मफुल हो चुका है। वो कैसे होता है और किन किन कारणों से होता है उसको भी हम देख लेते हैं। तो जो बेसिक कारण है घर के अंदर के इंडोर पॉल्यूशन के, वो है, उसमें सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सबसे ज़्यादा सांस से छोड़ी जाती है। इसके अलावा जो हम गैस यूज़ करते हैं उससे भी, हीटर से, और घर में कोई चीज़ हम आग लगाने की यूज़ करते हैं, जैसे स्मोक वगैरह करते हैं, या घर में कोई स्मोकिंग वगैरह, किसी को हैबिट होती है, कोई सिगरेट वगैरह ज़्यादा स्मोक करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। इसके अलावा स्मोकिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। वो जब हमें ज़्यादा अमाउंट में होती है तब तो हमें उसको महसूस होती है, लेकिन वो क्योंकि ये गैस अलग कलर की नहीं होती हैं, सभी गैसेस नॉर्मल, इनमें कोई कलर नहीं होता है, तो ये ऐसे दिखाई नहीं देती कि ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे आपको पता नहीं लगेगा कि घर में किस टाइप का हमें एनवायरमेंट अंदर है, ठीक है। जब सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होती है, घुटन होने लगती है, तभी हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ठीक है। इसके अलावा एक बेंजीन होती है, बेंजीन तंबाकू की स्मोक में, यानी कि सिगरेट स्मोकिंग में ज़्यादा होती है। इसके अलावा प्लास्टिक्स होते हैं, रेजिन्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जो फाइबर्स वगैरह यूज़ करते हैं आप लोग घरों में, नैपकिन वगैरह इस टाइप से, ठीक है, पैराफिन्स, वैक्सेस हैं, ठीक है, मोम वगैरह जो यूज़ करते हैं, उन सब से भी बेंजीन प्रोड्यूस होती है और ये भी बहुत ही हार्मफुल है। इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड जो कि टॉयलेट पेपर्स से, टिश्यू पेपर्स हैं, पेंट्स में,
ठीक है, सीलेंट्स में, वुड फ्लोर जिनके यहाँ वुड फ्लोरिंग होती है और वार्निश वगैरह, इनमें भी फॉर्मेल्डिहाइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर में रिलीज होती रहती है। ट्राइक्लोरोएथिलीन, ठीक है, ये टैप वाटर में निकलती है, क्लीनिंग एजेंट में निकलती है, इंसेक्टिसाइड्स जो घरों में यूज़ करते हैं नॉर्मल, जैसे कि आप मच्छर वगैरह भगाने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, उनसे भी ये सारे केमिकल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, या फिर ड्राई क्लीनिंग के क्लॉथ्स वगैरह से भी, ठीक है, और जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी ये गैसेस रिलीज होती रहती हैं। ज़ाइलीन टॉल्यूइन जो गैसेस हैं वो पेंट्स वगैरह में, वार्निश में, सिंथेटिक एनिमल में जो कि पेंट में यूज़ होता है, पैराफिन वैक्सेस में, ठीक है, अल्फा पाइनिन जो होती है सिंथेटिक पेंट्स में, या फिर डिओड्रेंट्स वगैरह में, उनमें भी यूज़ होती है, और अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉयलेट से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल से। ये इतने सारे हार्मफुल केमिकल्स आपके घर के अंदर रिलीज होते हैं, और ये बहुत वो कॉमन सी चीज़ें हैं जो हम घरों में, लगभग सभी घरों में ये चीज़ें यूज़ होती रहती हैं। तो ये सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो घर में वोलाटाइली प्रेजेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारा इतना कुछ करने के लिए क्या ज़रूरत थी, इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि हम घर के अंदर का माहौल थोड़ा साफ सुथरा रख सकें और इन सारे पॉल्यूटेंट्स को हम घर में से कम इनको कर सकें, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हम जो प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं वो कई सारे प्लांट्स हैं, मैं यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पे है एलोवेरा, तो एलोवेरा उसको हम घृत कुमारी कहते हैं, मेडिसिनल प्लांट भी है, आप इसको स्किन डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ऐसा मांसलदार मोटा सा पौधा होता है, आसानी से ग्रो कर जाता है, इसको आराम से आप नीचे से यहाँ से उखाड़ के ऐसे थोड़ा सा अलग करके भी आप इसको किसी पॉट में लगा देंगे, वहाँ से भी ये हो जाएगा। ये रात को भी ऑक्सीजन देता है, ठीक है, क्योंकि ये एक अलग ग्रुप का पौधा है और ये नॉन टॉक्सिक होता है, यानी कि अगर कोई बच्चे बच्चे इसको खा भी लेते हैं तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, और ये गर्मियों में भी ये कूलेंट रहता है, यानी कि ये घर में ठंडक प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। ये घर में से फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन के पॉलिटेंट्स को रिमूव कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है एस्परेगस। एस्परेगस को सतावर भी कहते हैं, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ होता है। ये घर में से बेंजीन, ऑक्टेन, टॉल्यूइन, टीसी और अल्फा पाइनिन वगैरह को रिलीज कर देते हैं। ये एक थोड़ा टॉक्सिक होता है, तो बच्चों के पहुँच से थोड़ा दूर होना चाहिए, बच्चे कहीं इसकी पत्तियाँ होती हैं जानवर पत्तियाँ ना खा लें, ठीक है। तो दूसरा है क्लोरोफाइटम कॉमोसम, ठीक है, इसको स्पाइडर प्लांट भी कहते हैं क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा ऐसा स्पाइडर शेप में रहता है, ठीक है। ये घर में से फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिलीन और भी ज़्यादा केमिकल्स को, मतलब और भी ज़्यादा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यहाँ से रिलीज कर देता है। लगभग घर के अंदर के जो कॉमन पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनमें से 90% टॉक्सिक्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये नेचर में नॉन टॉक्सिक होता है। फिर आता है क्रेसुला। क्रेसुला जो है इसको हम जेड प्लांट कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये क्रेसुलेसी फैमिली का होता है। ये बेंजीन, टॉल्यूइन, एथिलीन बेंजीन, एसीटोन, मैथिल क्लोराइड, टीईसी, कार्बन मोनोऑक्साइड और ज़ाइलीन जैसे टॉक्सिक केमिकल्स को यहाँ से रिमूव करता है। ये नॉन टॉक्सिक होता है, इसके अलावा ये मेडिसिनल प्लांट की तरह से अफ्रीका और चाइना में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डेफिनबेकिया। डेफिनबेकिया बहुत कॉमन प्लांट है, डमकेन भी इसको बोलते हैं। ये फॉर्मेल्डिहाइड, ज़ाइलीन जैसे पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्रेसिना स्पीसीज। ड्रेसिना बहुत कॉमन है, इसको सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं इंग्लिश में। ये टीईसी, फॉर्मेल्डिहाइड, ज़ाइलीन जैसे केमिकल्स को भी ये नेचर एनवायरनमेंट्स से वोलेटाइल कंपाउंड्स को वहाँ से रिमूव करता है। नेक्स्ट आता है डिप्सिस। डिप्सिस एक कॉमन प्लांट है, इंडोर प्लांट्स है, एरिका पाम भी इसको कहते हैं। ये पॉल्यूटेंट्स जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ज़ाइलीन, टॉल्यूइन को रिड्यूस करता है एनवायरनमेंट में से, ठीक है, और ये नॉन टॉक्सिक होता है। ये नाइट में भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो ये बहुत ही अच्छा कूलेंट रहता है समर में भी। नेक्स्ट आता है एपिप्रैमनम अर्बम, इसको हम कॉमनली मनी प्लांट भी कहते हैं। मनी प्लांट भी फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ज़ाइलीन और टॉल्यूइन जैसे केमिकल्स को रिमूव करता है। नेक्स्ट आता है फाइकस बेंजामाइना, इसको वीपिंग फाइकस कहते हैं, ठीक है, और ये लगभग 10 फीट तक आराम से हो जाता है। घर के बाहर के अगर आपके
गार्डन है तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इंडोर प्लांट्स में भी आपको थोड़ा सा इसको अच्छी लाइट में रखेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन और TEC जैसे केमिकल्स को ये रिमूव करता है, क्योंकि ये फाइकस ग्रुप का प्लांट है, इसीलिए ये नाइट में भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और ये बहुत ही अच्छा प्लांट है जो आप घरों में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फाइकस इलास्टिका, रबर प्लांट। रबर प्लांट भी फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल्स जैसे और भी कई को रिड्यूस करता है, ठीक है। मोल्ड्स और बैक्टीरिया को भी 50 से 60% ये घर के एनवायरनमेंट से रिमूव कर देता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्योंकि फाइकस ग्रुप का प्लांट है तो ये ऑक्सीजन का लेवल भी अच्छा सा घर के अंदर बना के रखता है। नेक्स्ट आता है मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा, ठीक है। इसको स्विस चीज प्लांट भी कहते हैं। ये फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ज़ाइलिन, TEC, अमोनिया जैसे केमिकल्स को रिमूव करता है। इसकी पत्तियां थोड़ी बड़ी होती हैं तो अगर आपके घर में थोड़ा अच्छा स्पेस है तब आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ओसिमम। ओसिमम यानी कि तुलसी, ये घरों में रहता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे केमिकल्स को रिमूव करता है, ठीक है। इससे ऑक्सीजन भी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है। और एक ये सेक्रेट प्लांट है यानी कि पूजा पद्धति में यूज़ होने वाला प्लांट है। इंडिया में बहुत ज़्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मिलती हैं, ठीक है। और ये नेचर में नॉन टॉक्सिक होता है। ये घरों में लगाएं तो ये बहुत अच्छा हमें मेडिसिनल वैल्यू भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि थोड़ा सा हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहता है। नेक्स्ट आता है सेंसीवेरा। ये एक बहुत ही कॉमन और सबसे अच्छा प्लांट है। इसको मदर इन लॉ टंग कहते हैं या फिर स्नेक प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ज़ाइलिन और भी कई सारे पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करता है, ठीक है। और नासा के एडवाइजरी है कि ये 90% टॉक्सिक इंडोर एनवायरनमेंट से रिमूव कर देता है। और ये बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। घर के अंदर इसको लगाना मस्ट होता है कि अगर आप घर के अंदर इंडोर पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर रहे हैं तो ये प्लांट तो ज़रूर उसमें होना चाहिए, ठीक है। ये नाइट में भी ऑक्सीजन अच्छे से मेंटेन करके रखता है और ये नॉन टॉक्सिक नेचर में होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक ये चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लिख रखे हैं। वही सारे प्लांट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को वो रिमूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेडिसिनल इंपॉर्टेंट हैं और वो टॉक्सिक हैं कि नहीं है। अगर उनको जानवर या बच्चे वगैरह उनको खा भी लेते हैं, पत्तियां कभी कभार मुंह में डाल लेते हैं, तो फिर ऐसे में उनको हमें रोकना है या किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि घर के अंदर से हम जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट जो हमें दिखाई नहीं देते, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको हम वहाँ से रिमूव कर दें और जो घर के अंदर का जो अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट है उसको हम बना के रखें। घर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बना के रखें, क्योंकि ज़्यादातर मकान हैं वो क्लोज्ड रहते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर थोड़ी सी कम रहती है। तो इंडोर प्लांट्स यूज़ करेंगे तो घर के अंदर का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट में देखने को मिलेगा। अगर मेडिसिनल इंपॉर्टेंट प्लांट्स भी लगा सकें तो घर के अंदर जरूर लगाने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इंडोर प्लांट्स को लगाने के बाद में आपको क्या-क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो इसमें सबसे पहला आता है रिड्यूस स्ट्रेस, यानी कि आप देखेंगे अगर ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, ठीक है। आपके जो काम करने की क्षमता है, परफॉर्मेंस है, आपकी वर्क एफिशिएंसी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। आपको नींद अच्छी आती है और अच्छे से गहरी नींद आती है, इससे रेस्टफुल स्लीप होती है, ठीक है। और जो आपका बैकग्राउंड नॉइस है यानी कि घर में शोर शराबा, उसको भी ये बहुत अच्छे से कम करता है, ठीक है। और जो आपका इल हेल्थ है यानी कि आपके जो सेहत में ज़्यादा ज़्यादा गिरावट बनी रहती है वो भी अच्छे से मेंटेन हो जाती है और उतना ज़्यादा आपको थकावट वगैरह ये सारी चीज़ें महसूस नहीं होती। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो जिसके बेसिस पे ये सारा रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ये एक प्रेजेंटेशन थी जो मैंने इंडोर प्लांट्स के ऊपर दी थी, तो उसका भी मैंने यहाँ पे फुटेज लगाया हुआ है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में बहुत सारा अच्छा अच्छा देखने को मिला होगा। अगर कुछ आपको और कमेंट है या कुछ और चीज़ आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।